गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो है कि विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है साथ ही साथ में फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स। This molecule addition is of two types. First, formation of double salt and formation of complex salt. So, first of all, discuss about the formation of double salt. That is KCl plus MgCl2 plus 6H2O is equal to KCl MgCl2 dot 6H2O, that is carnelite. K2SO4 plus Al2SO4 ka whole thrice plus 24H2O. तो दस के टू एस ओ फोर एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस इंटू 24H2O दैट इज पोटास एलम। डबल साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन देयर सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेज एंड डिसोसिएट कंप्लीटली इंटू देयर आयंस। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट। जनरली कॉम्प्लेक्स इज जनरली ए कॉम्प्लेक्स साल्ट इज रिप्रेजेंटेड एज केटाइन, सेंट्रल मेटल, लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर और एनायन, दैट इज के फोर एफ ई सी एन सिक्स, दैट इज केटाइन एंड सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स साल्ट इन विच ligands are attached with the central metal through their coordinate bonds. So coordination classification of salts, that is if coordination sphere is negative, that is anionic complex K4FeCN6. If coordination sphere is positive, that is cation complex CO NS3 का होल 6 Cl3। इफ कोऑर्डिनेशन स्पीयर इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स Ni CO का होल 4 Cr NS3 होल 3 Cl3 FeCO5। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स नेवर लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेज। Some naturally occurring complexes are, that is hemoglobin, इसमें iron pigment, iron है, iron plus 2, then thallocyanin in copper plus 2, blue pigment or peacock feather, chlorophyll Mg plus 2, vitamin B12 CO plus plus, cisplatin that is used in cancer treatments. Next, coordination sphere, complex ion made by two distinct parts. One is ligands, those are electron rich molecules or negatively charged ions which donates one or more lone pair of electron to the central metal in formation of coordination sphere. तो कह सकते हैं कि ligands are basically Lewis based and electron rich. Here example is CONH3 का whole thrice Cl3. In this NH3 is neutral ligand and Cl- is negative ligands. यानी कि कम से कम एक lone pair होना चाहिए और chemical unit में ligands में. Donor atom, the particular atom of a ligand which donate its electron pair, only one. अब किसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? सेंटर एटम को, ठीक है, डोनर एटम। तो एन एस थ्री यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम और यहाँ पे सी एन में कार्बन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ligand को किस तरीके से क्लासिफाइड यहाँ पे
कर सकते हैं। देखिए मोनोडेंटेड लिगेंट है, पॉलीडेंटेड लिगेंट है, हेक्साडेंटेड लिगेंट है, साथ ही साथ में फ्लैक्सी डेंटेड लिगेंट है। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोडेंटेड लिगेंट, पर लिगेंट ओनली वन डोनर एटम, क्लोराइड आयन NH3H2O CN NO2। फिर पॉलीडेंटेड लिगेंट की बात करेंगे तो इसमें पर लिगेंट टू और मोर डोनर एटम, जैसे कि बाईडेंटेड लिगेंट है तो इसमें वाइडेंट लिगेंट में देखिए ऑक्जेलेट है, ठीक है ऑक्जेलेट है, और फिर है ट्राइडेंटेड लिगेंट में की बात करते हैं तो यहाँ पे इथिलीन डाइएमीन, ट्राई इथिलीन डाइएथिलीन ट्राइएमीन है, इस तरीके से ट्राइएमीन देखिए, ठीक है। और बाइडेंटेड लिगेंट में ऑक्जेलेट है, इथिलीन डाइएमीन है। फिर अब बात करते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंट की, तो देखिए हेक्साडेंटेड लिगेंट में बात करेंगे तो पर लिगेंट सिक्स डोनर एटम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 EDTA जिसको बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंट, तो फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंट में SO4-, यानी कि इसमें बाइडेंटेड लिगेंट है, कैन वर्स एज ए मोनोडेंटेड लिगेंट आल्सो। फिर इसमें देखिए EDTA है, हेक्साडेंटेड लिगेंट की तरह फंक्शन करता है, लेकिन कैन वर्स एज ए टेट्राडेंटेड लिगेंट आल्सो। एम्बीडेंटेड लिगेंट की बात करते हैं तो मोनोडेंटेड लिगेंट्स ऑलवेज होते हैं, CN इस तरीके से CN और NC भी है, तो डोनर एटम यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। NO2 में देखिए डोनर एटम नाइट्रोजन है और यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, नाइट्रो और नाइट्राइट। दोज मोनोडेंटेड लिगेंट्स विच हैव टू डोनर एटम और साइड्स बट कैन यूज ओनली वन एट ए टाइम, दिस इज ए एम्बीडेंटेड लिगेंट। नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ से रिंग का बनना हो जाता है, रिंग का फॉर्मेशन होता हो जाता है चिलेटिंग लिगेंट में। आप देख रहे हैं एथिलीन डाइएमीन में चिलेटिंग का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम किस तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है इसका, ठीक है, और जो लाइनस पाउलिंग ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।